शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। You ready? कि तुम्हारी आवाज कहाँ छिपी है? तुम उस लड़की को, हमें और खुद को उल्लू बनाना छोड़ दो। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन झूठ कभी नहीं सह सकती। और उसके बहते हुए आंसू में सब कुछ बह गया। सुंदर बोल सकता है कि नहीं? माफी चाहता हूँ, मैं अगर आपका ये डब्बा नहीं पकड़ता तो मेरी ट्रेन छूट जाती। छूट जाने देते, तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या इंतजार कर रही है? हाय, ये तो शर्माता भी है, इतनी उम्र हो गई कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? दरअसल मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। हाँ। देखने में कितना सुंदर है। मेरा नाम भी सुंदर है। वाह वाह, क्या अदा है। हाय हाय, बैठिए ना। मंजू, तुझे आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं ना? मैं शादी करूंगी तो किसी गांव के लड़के से ही करूंगी, और जो आर्टिस्ट भी हो। गाँव में क्यों? क्योंकि गाँव वाले बहुत भोले भाले और मासूम होते हैं। खुली हवा में सांस लेकर गाजर मूली खाकर कितने कितने तंदुरुस्त होते हैं। और कहीं शहर वाले फ्लैटों में रहकर चॉकलेट खाकर चॉकलेट की तरह ही नरम हो जाते हैं। मंजू, ये सुंदर कैसा है?
बहुत अच्छा है, बहुत हैंडसम, मगर ये मुझसे शादी क्यों करेगा? अभी पूछ लेते हैं। सुंदर जी, आप हमारी मंजू से शादी करेंगे क्या? कर लीजिए, ये नेक है, शरीफ है, अच्छे घर की है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको देखते ही दिल दे चुकी है। सुंदर, मेरा दिल मत तोड़ना। नहीं तोड़ूंगा। मेरा सुंदर। अरे ओके बाय। चल दी। नहीं नहीं, कल मंजू जी, परसों मिलते परसों। ओके सी या, बाय बाय। अरे मंजू जी, मजा आया। मंजू जी, मंजू जी। Yes. जरूर मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे आपका सामान देखकर उठा लेना चाहिए था, लेकिन जैसे मैं पलटा वहाँ कोई लड़की ही नहीं दिखी, आप भी नहीं थी वहाँ। देखो सुंदर, पहली मुलाकात में इतना सीरियस नहीं होते यार, हम सब मेडिकल कॉलेज की लड़कियाँ हैं, आगरा गई थी ताज देखने पिकनिक के लिए, समझे? सफर में मजा आया ना, एंजॉय किया ना, बस तो फिर और क्या, इट वॉज ऑल टाइम पास। ओके बाय बाय, बाय स्वीटहार्ट, बाय। चलो ड्राइवर। मंजू डार्लिंग, अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि हम इस जालिम समाज को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। हराम खोर, और प्यार के पेड़ पर एक नन्ना सा घोंसला बनाएं। कुत्ते दा पुत्र, जहां तुम्हारा बाप अपने शिकारी कुत्तों को ना भेज सके। सूर दा पुत्र, तैयार रहना, सुबह 10 बजे आऊंगा और तुम्हें लेकर रफी चक्कर हो जाऊंगा। ओ सुनो, ए, सुनो, ओ लोको सुनो, ओ लोको सुनो, ओ क्या लिखता है रामजादा, इसकी करतूत तो देखो क्या लिखता है। लिखता है कि इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, हम इस जालिम समाज को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। दूर किधर? मैसूर चले जाएंगे, सूर दा पुत्र ना होवे ते। ये लिखता है प्यार के पेड़ पर घोंसला बनाएंगे, हैं? अंडा देगा, और ताकि तुम्हारा जो बाप है ना, वो शिकारी कुत्तों को उतने तक न भेज सके। और तुम सबको कुत्ता बोला है? कुत्ता बोला है। हाँ, और ये लिखता है कि मैं 10 बजे आऊंगा और तुम्हें पजा के ले जाऊंगा। वो समझता है कि मैं 9 बजे ऑफिस जाऊंगा और वो 10 बजे पीछे पजा के ले जाएगा। उसको इतना मालूम नहीं है कि आज सैटरडे है, सेंट्रल गवर्नमेंट की छुट्टी है। ओ पापा जी, 10 बजने वाले है? वो बदमाश आता ही होगा। अरे रुको 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 रुको, हाँ ये लो भैया। ओहो, ओहो, बहुत लेट हो गया, कहीं वो निकल ना जाए। घड़ी देख रहा है, यही लगता है। सही बोला। कितने जा रहे हो बादशाह? जी मैं मगनलाल से मिलने आया हूँ। मगनलाल इरादा बदल देता है, मंजू उठे तो आड़ा मंजीते इंतजार कर रही है। मंजू जी यहाँ रहती है? ओलो, कर लो गाल, मंजू मैके नहीं रहेगी तो ठेके रहेगी। आप मंजू जी के डैडी लगते हैं। नहीं लगता? हाँ लगते तो है। एक बात बताओ, मंजू जी बड़ी शर्मीली लड़की है, बगैर कुछ बताए शर्मा कर चली आई, अपना एड्रेस भी नहीं दिया। ये तो ईश्वर की मर्जी, देखिए कि मैं खुद यहाँ पर चला आया। ईश्वर की मर्जी मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। बहरहाल बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, प्रणाम करता हूँ। गौरदा पुत्र, एक तो मेरी बेटी को भगा के लेने के लिए आया, ऊपर से पैरी पर। नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मैं मंजू जी को भगा के ले जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो शादी करके धूमधाम से ले जाऊंगा। धूमधाम दे पुत्र, कोशिश कर रही है। तू घबरा ना, मैं इतना टंगा तोड़ूंगा, पर्दे की बात तोड़ूंगा, रास्ते की फाल फूटूंगा। बंद तो मंजू नु मंजी नाल बंद है। ओ पापा जी, मैं आपकी माँ की कसम खा के कहता हूँ, ये कोई और है, ये वो नहीं है। वो नहीं है, तू नहीं है, फिर वो किसे है? अरे पापा जी, मैं आज ही दिल्ली आया हूँ। अच्छा, आज दिल्ली आए और आज मेरी बेटी को भगाने? अरे आपको गलतफहमी हो गई है भाई। वो गलतफहमी नहीं, फैमिली गलत हो गई है। क्या बात कर रहे हैं पापा जी? अरे भाई, भाई ये क्या बात, पकड़ पकड़ इसको। अरे आप गलत बात कर रहे हैं पापा जी, आप मेरा विश्वास छोड़ो। अरे विश्वास, तेरे पे विश्वास करना शुरू हो गया तो मेरी बेटी रोज भाग जाएगी सीढ़ी लगा। रोज कैसे भाग सकती है कोई लड़की? पता है सही कह रहा है वो, तू सच कह रहा है? रब दी सो, पर तू है कौन? मैं सुंदर। सुंदर तो है ही, पर तू है कौन? पापा जी, मैं शहर नौकरी की तलाश में आया हूँ, यहाँ पर फ्लैट नंबर 104 में मेरा दोस्त मगनलाल रहता है। जी सर,
404 में जाओ और मगन लाल को अपने नाल लेके आओ। अच्छा सब। अरे 404 में नहीं यार, 104 में जाना भाई, वरना ये लोग फिर पिटेंगे मुझे। अच्छा सब। हाँ तो 404 में भेज देते हो। चलो चलो चलो। कौन है? ओ कोई भी हो, आपको क्या करना है? ओ भगवान इसकी रक्षा करे, मगर तेरा मगन लाल नहीं आया ना तो मार मार के तेरा बदन लाल कर दूंगा। ए कार्तिक, देख कौन है। विल्स, देख कौन है। प्रयास, देख तो कौन है। क्या? मैं ही देखता हूँ। वो क्या एक्सरसाइज कर रहा था ना, इसलिए कौन है मैं? उसे कटी शाप पूछता है, इधर कोई मगनलाल नाम का आदमी रहता है क्या? मग यहाँ तीनों मगन है, तीनों लाल है, कोई मगनलाल नहीं है। जाइए जाइए। अच्छा सब ठीक है, जाइए। लगता है किसी चोर को पकड़ा है। नहीं यार, किसी मगनलाल को ढूंढ रहे हैं। मैं देखता हूँ, हो सकता है कुछ लफड़ा हो। मगू, ए मगनलाल। ओ सुंदर तू। अरे मगनलाल, तेरे पड़ोसी मुझे गलत समझ रहे हैं यार। ओए पापा जी, मेरा ये दोस्त है सुंदर, गांव से आया है। और तू कार्तिक है? अरे वो मगनलाल है। वो कार्तिक है? मगनलाल है। तू कहता क्या कि तू कार्तिक है? जी मेरा पूरा नाम है मगनलाल कार्तिक। और छाड़े यार जान छुट्टी। मगनलाल? छी, ये भी कोई लवर का नाम है क्या? किसी अंकल का नाम लगता है। हमसे असलियत छिपाई, असली नाम तक नहीं बताया। दूसरे ना जाने ऐसे और कितने 420 होंगे। आज से दोस्ती कट। ये मेरा दोस्त सुंदर, ये रियाज कंप्यूटर इंजीनियर है, ये घर भी इसी का है। और ये विल्स। मैं कुछ नहीं करता, मैं प्यार करता और मस्ती करता हूँ बस। नमस्ते। मग्गू बड़ा ही नसीब वाला जो इसे आप जैसे दोस्त मिले। मग्गू? ए मग्गू मग्गू छोड़ यार। कार्तिक क्या यार, दिल्ली में आकर तू आगरा की भाषा बोलता है? अरे मगनलाल ये क्या चक्कर है, नीचे वो भी तुझे कार्तिक कार्तिक कह रहे थे। क्या है, मॉडर्न नाम रखना है जाना, लड़कियों पे इम्प्रेशन पड़ जाना। वो मेरी बेटी बाकी, मेरी बेटी। लेकिन पापा जी मेरे साथ थोड़ी भागी है। तेरी वजह से भागी है, तू मुझे बातों में नहीं लगाता तो नहीं भागती। अरे वो अब भी नहीं भाग सकती अगर आप इससे बात में लग रहे तो। जल्दी भागो, जल्दी भागो, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। खड़ी होगी यार, ये पत्ती के इंतजार में। ठीक है, मैं इसका एक कंप्यूटर प्रिंट आउट निकाल देती हूँ। हाँ ठीक है, मैं सर के पास भिजवा दूंगी। ओके जी, नमस्ते। यस, क्या चाहिए? यहाँ पर सेठ जी का ऑफिस कहाँ है? सेठ जी? You meant to say manager? जी हाँ। उस साइड, that side। धन्यवाद। It's okay। Okay, bye। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? Yes, come in। सर, मैंने सुना है आपके यहाँ आर्टिस्ट की जगह खाली है। सर, मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ। ये मेरी बनाई हुई कुछ पेंटिंग है। हेलो। अरे मालिक कैसे हैं आप? आपकी तो आवाज सुनने के लिए तरस गया था। यस यस, वेरी गुड। आज से ही शुरू करवा देता हूँ। 4 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप बस हुक्म करो। थैंक यू, बाय। तुम आज से ही काम शुरू कर सकते हो। आज ही से? मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, बाहर मेरी सेक्रेटरी है, उससे मिलो, वो तुम्हें सब समझा देगी। जी सर, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि पहली कोशिश के अंदर इतनी ऊंची जगह काम मिल जाएगा। मेहनत करोगे तो बहुत ऊंची जगह पहुंचोगे। हमारे थोड़े बैठो रे, मोर क्या बोले, मोर क्या बोले, मोर क्या बोले, हमारे थोड़े बैठो रे, मोर क्या बोले। ये इसका मतलब क्या होता है? अरे इसका मतलब ऐसा होता है कि घर के सामने मुंडे रोता है ना, उधर एक मोर बैठा है और ये बोलता है कि मोर बोलता क्या है ये। ये देखो गधेड़ा,
ये क्या बोलता है समझ में नहीं आता। एक मोर है ना, एक वंश मोर है, कोई तीसरा आदमी उसको देख ले ना तो इधर से गिर जावे ना मर जावे। मैं बोलता हूँ ये बोलता 501 बार साबण है ना, 501 बार साबण, उसको साबण का पेंटिंग मिला ना ऑर्डर, उसकी बात कर रहा है पैसा मिलने वाला उधर। क्या बोल रहा है? अबे देखो कितनी चर्बी है इसको, अभी उधर से पैसा मिलेगा ना तो ये हॉल में जाएगा। हॉल हॉल होता है ना प्रोग्राम का हॉल, जिधर लड़की लोग नाचते हैं, भरतनाट्यम देखने का बहुत शौक है इसको। अभी क्या डांस इसके समझ में आती है? मेरे को तो समझ में आती इतनी। ये बिगड़ डांडे का नाचते वो लोग यार, अब मेरे गुजरात में बिगड़ डांडे का कोई नाच होता इतनी, जिसके बाद डांडा नहीं वो गांडा है। इस बेचारे को कितनी परेशानी होती होगी। अरे परेशान ये किधर होता है बापो, परेशान तो मैं होता हूँ। पिछली वक्त है ना मैं इसको गरबा में लेके गया था, ये एक छोकरी के साथ में इतना गरबा खेला ना गरबा खेला कि 3 महीने में उसको गर्भवती बना दिया। 3 पेंडर बाहर निकले महल में। क्या करे बेचारे को जबान नहीं है ना। अरे जबान नहीं है वो अच्छा है, मैं बोलता हूँ अगर भगवान उसको जबान देता था ना हर एक के घर के दरवाजे के बाहर लोबान जलाता था। ये लड़कियों की खुशबू कहाँ से आ रही है? तो ये फोर स्क्वायर है क्या? कुछ ज्यादा ही बोल रही है, अब गड़बड़ भी थी क्या? खुशबू आ रही है। ये रियाज है। हेलो 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 हेलो, आपने कपड़े बहुत अच्छे पहने लेकिन इतने क्यों पहने हैं? तीनों साथ में ना, ये नहीं सुधरेगा। हेलो हेलो हेलो, सुंदर तू दूर का खड़ा है, आजा आजा इधर। ये मेरा दोस्त सुंदर, पेंटर है, पेंटर चित्र का। मिलो, ये शिल्पा। हेलो, वो अनिता और वो रेशमा। अरे मेरे बाप तू तो कमाल का इडियट आदमी है यार, कुछ बताए बिना भाग गया, सब ढूंढ रहे तुझे। क्यों ढूंढ रहे? क्या जरूरत पड़ी मुझे ढूंढने की? नहीं, तेरा मूड खराब है क्या? मूड नहीं, मेरी तकदीर खराब है। अरे लेकिन क्या हुआ वो तो बताओ। अरे सीधी बात, मैं चाय लेकर आया, किसी ने अपनी सहेली से मिलाया भी नहीं, बस ऐसे ही भेज दिया मुझे। वो क्या है, जानबूझ के नहीं मिलाया? क्यों? तेरा इंसल्ट हो जाता ना। इंसल्ट क्या? अरे तू अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता ना। तो क्या अंग्रेजी नहीं बोलते उन्हें कोई प्यार नहीं करता क्या? तू एक काम कर, हिंदी बोलने वाली को पटा ले। यार ये लड़कियां पटती कैसे हैं? ये सब समय का खेल है भाई। मतलब ये घड़ी, तेरे विचार में लड़कियां घड़ी क्यों पहनती है? वक्त देखने के लिए। अरे बुद्धू, हम जैसे जवानों को वक्त बताने के लिए। तू एक काम कर, कल एक बस स्टैंड पर खड़ा रहे और लड़की को टाइम पूछ ले, अगर उसने बता दिया तो मुस्कुरा कर कह देना थैंक यू वेरी मच, और वो लड़की जिस बस से जा रही है ना उसी बस में घुस जाना, उसके बाजू खड़े रहकर अपने मसल दिखाना, अगर वो मुस्कुराएगी शर्माएगी तो समझ लेना पटली रे पटली। हाँ, और एक बात ध्यान में रखना, टाइम पूछने से पहले ये देखना उस लड़की के हाथ में घड़ी है या नहीं, और अपने हाथ में घड़ी पहनकर लड़की को टाइम कभी नहीं पूछना। क्यों? बहुत जूते पड़ते हैं हर कंपनी के, एक्सपीरियंस है ना। एक्सक्यूज मी, टाइम प्लीज। टाइम 32:50। थैंक यू बेबी। अरे मौसी क्या कर रही हो? अरे मौसी लग जाएगी, अरे लग जाती तो। अरे तेरे को बोला क्या मैंने? स्टूपिड, कैसे देख रहा है मुझे? एक्सक्यूज मी, टाइम प्लीज। Excuse me, time please.
मैं बताती हूँ। एक्सक्यूज मी, टाइम प्लीज। क्यों रे माटी मिले बेशरम। हाँ 5 मिनट हुए नहीं, लड़कियाँ आई और पूछने लगे टाइम प्लीज। हाँ जैसे गुड़ पर मक्खी। अरे घड़ी खरीदने की औकात नहीं, नहीं है चला इस लड़ाने। हाँ तेरे को टाइम मांगता है ना, सरकार ने तेरे लिए घंटा घर बना रखा है। चल भाग चल मारूंगी। इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता यार। अरे मैं बोल रहा हूँ ना ऐसा हो गया। ये फॉर्मूला हमेशा हम लोग यूज करते हैं, बार बार लगातार, और हमेशा तीर निशाने पे लगता है। तो पता नहीं वो फूल वाली बाई कहाँ से आ गई और कांटे की तरह अटक गई। देख शाहरुख खान कहता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। मैं कुछ कहूँ? कहो ना कुछ नया कहो। ठीक है तू मेरे दोस्त का यार है इसलिए नया फॉर्मूला देता हूँ। जैसे ही लड़की सामने आए तुम उसकी आंखों में आंखें डालना और दिल में कहना तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। हाँ तुम मेरी। हाँ तुम मेरी हो। हाय 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 नो बाय ओनली हाय सुनिए जी, आप जरा अपना चश्मा निकालेंगे प्लीज। क्यों? मुझे लगता है कि आपकी आंखें ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। ये लो निकाल लिया चश्मा। थैंक यू। तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम मेरी नहीं हो, तुम मेरी हो ही नहीं सकती। ए टांग तोड़कर हॉस्पिटल में क्यों आए हो? नर्स को पटा रहे हो क्या? ए विल्स के बच्चे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं? तुम ही ने तो मुझे फॉर्मूला दिया था कि लड़की की आंखों में आंखें डालो और दिल में बार बार बोलो तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। धोखेबाज कहीं का। मैंने धोखा नहीं दिया है, खुद आड़नी हो, कोई काम ठीक तरह से नहीं करते, ऊपर से इल्जाम लगाते हो हमारे खानदानी आइडिया पर। मैं चला। अरे ए विल्स तू बुरा मत मानना यार, दोस्ती के अंदर तो लोग जान दे देते हैं, दो चार हड्डी की क्या बात है। सुनो यार, ए विल्स तू मुझे तीसरा आइडिया देना, और तू मुझे ऐसा आइडिया दे कि मेरा काम भी हो जाए और मेरी हड्डी भी ना टूटे। सोचना पड़ेगा। अभी सोच के आता हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। ये आ गया। क्या बोलता है मालूम? ऐसा आइडिया बताओ जिससे मेरा काम हो जाए और हड्डी भी ना टूटे। अरे मैं बोलता हूँ ना, जब तक इसका सिर किसी लड़की के सैंडल के नीचे नहीं आएगा ना, तब तक ये रो में सुधरने वाला नहीं है। सैंडल कैसी हील वाली। अरे इसकी शक्ल तो देख, नमूना लगता है बिल्कुल चौथी फेल। चौथी? दूसरी बोल, 2 बार और गलती करेगा तभी चौथी फेल होगा। करेक्ट। लल्लू समझता क्या है मालूम है? कि अच्छे जूते और अच्छे कपड़े पहनने से लड़की पड़ती है। लल्लू को मालूम नहीं है कि आजकल की लड़कियां कितनी तेज है। अरे आजकल लड़का पढ़ा लिखा हो ना तो कोई भी लड़की पड़ती है, तो दिखने में कैसा भी हो ये तो। अरे मैं तो कहता हूँ कि एक बार आदमी को अपनी शक्ल तो देखनी चाहिए आईने में। जैसे आईने में देख लिया ना तो आईना टूट जाएगा। अगर गलती से आईने में देख लिया ना तो आईना टूट जाएगा। लेकिन लड़कों की वजह से तो घर से निकल जाती है।
अच्छा मेरे यहाँ ये तो बता कितने दिनों के लिए आया? भाई मैं तो अगले हफ्ते वापस चला जाऊँ। क्यों? क्यों? अरे इनकी किताब छपानी है ना इसके लिए। क्या बात यार? लेकिन भाभी वो अपनी बच्ची पायल नहीं दिखी। लेकिन यार तू इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? अरे भाई पायल रह गए ना यहाँ 4-6 महीने तुम्हारे पास, ये कुछ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर रिसर्च कर। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और सुना भाई और क्या हाल चाल है तेरा? हाँ टाइम क्या हुआ है जी? टाइम? हे राम, अब लड़कियां भी टाइम पूछने लगी। टाइम टाइम साढ़े नौ साढ़े दस। घड़ी देखनी नहीं आती तो पहनते क्यों हो? लल्लू कहीं के। मैं बताऊं क्या? तुमसे किसने पूछा? भाई क्यों नहीं पूछे? मतलब समझे क्या? पोटी को इंटरेस्ट है तुम में, वरना टाइम बताने के लिए हम क्या खराब थे क्या? मगर क्या बोलना, हमारा टाइम ही खराब चल रहा है कुछ दिनों से। टाइम टाइम की बात है। वो देखो नया पंछी। एरिया में पहले टाइम देख रहा हूँ। वो साउंड बॉक्स का डिफेक्ट लग रहा है, बाकी पैकिंग बहुत सॉलिड है भाई। साउंड बॉक्स मतलब? मुक्की है मुक्की, गुंगी हाथों से इशारा कर रही है, बाकी माल चोखा है, तेरा एड्रेस पूछ रही लग रहा। एडमिशन हो जाएंगे। अरे वेरी गुड। अच्छा ये बताओ तुम चाय पीने वाली हो या कॉफी? कॉफी। एक बात बताइए, सुंदर नगर में कोई गुंगे बहरे का स्कूल है क्या? पता नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? आज एक कमाल हो गया, एक लड़की से मैंने पता पूछा वो गुंगी निकली। फिर आगे एक लड़के ने मुझे पता समझाया और वो भी बेचारा बोल नहीं सकता था। बेचारा। यू राइट आंटी, मैं भी यही सोच रही थी, अपने किसी को कह नहीं सकते, दूसरों की सुन नहीं सकते, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? इसका जवाब तो कोई गुंगा ही दे सकता है। क्या तुम श्रीदेवी हो? नो, माधुरी की बड़ी बहन हो, मनीषा की भांजी हो? अरे तुम श्रीदेवी माधुरी मनीषा की कुछ नहीं हो तो फिर हमारे दिल पर पैर रखकर क्यों जा रही हो? दिल कहीं और चल। किधर? अरे देखते ही देखते ऐसी की तैसी हो गई। चलो तुम्हारी भाभी को देखते हैं। अबे भाभी हो गई तेरी। चलो चलो चलो। वो देखो
हाय गाइस गाइस हाय बेबी बेबी बाबा इधर खड़ा रहे खड़ा रहे वो सब ठीक है कौन थी वो कौन वो छोकरी कौन छोकरी अरे वही जो शॉपिंग सेंटर में आपके साथ में थी हाँ। अच्छा वो हाँ। वो सिगरेट मिलेगी सिगरेट है सिगरेट सिगरेट दे देता हूँ ना लाइटर भी दे नहीं ओके लाइटर दो मेरी गर्लफ्रेंड है वो हाँ तो ठीक है क्या क्या तो इसमें इतना उचकने की क्या बात है मेरी उम्र में हर किसी की गर्लफ्रेंड होती है और ये चक्कर कितने दिन से चल रहा है तीन महीने से लेकिन तुझे दिल्ली आए हुए भी 3 महीने ही हुए हैं तो क्या हो गया दिल मिलने के लिए तो 3 मिनट भी काफी होता है बोलने लग गया सोचना पड़ेगा अरे क्या सोचने का देखो बरकुरदार आप जिस लड़की से प्यार करते हो ना वो बिल क्लिंटन के खानदान से लगती है और आप जो है ना अफ्रीका के जंगल से भाग कर आए हुए लगते है ये मिलाप होगा ही नहीं लगता है इस लड़की को कहीं देखा हाँ। है। मेरे सपने में देखा होगा दरअसल क्या है ना कि उस लड़की की पहुंच इतनी ऊंची है ना कि आप लोग उस तक पहुंच ही नहीं सकते ए, एक लड़की क्या मिली हमारी इंसल्ट करते हो क्या नहीं ये बात नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दोस्ती उस सुंदर लड़की से हो गई है तो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आप लोग ये समझते हैं कि एक सुंदर लड़की से दोस्ती बस आप ही की हो सकती है होता है क्या एक नया प्रेमी और एक नया शराबी बहुत जल्दी बहक जाता है अच्छा मैं चलता हूँ मुझे रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना है शुभ रात्रि दरअसल क्या है कि मुझे उसके साथ सुबह जॉगिंग पे जाना है वॉक करने नहीं है तो जॉग क्या करेगा दो दिन चाहिए यही पता करने के लिए कि इस लड़की की कुंडली में ये केतु कहाँ बैठा हुआ हाय प्राप्ति हाय पायल कम लेट्स गो टुगेदर थैंक्स कोई 5 रुपया दे दो कोई 10 रुपया दे दो अगर छुट्टा नहीं है तो 50 रुपया दे दो जीने के लिए आजकल छुट्टा नहीं नोट मांगता है अरे ये क्या कर रहा है ऐसी लापरवाही से गाड़ियों के बीच घुसे जा रहा है ये तो इन लोगों की प्रैक्टिस है नहीं भाभी छुट्टा छुट्टी के दिन लेता है ओह माय गॉड ग्रीन सिग्नल होने वाला है कोई ना कोई उसे कुचल देगा कुछ नहीं होगा साला छुट्टी का जमाना भी नहीं गया कब तक छुट्टे से पेट भरेगा पेट भरने के लिए अपनी जान पे खेल रहा है बेचारा ए मालिक क्या इस छुट्टी से छुटकारा नहीं मिलेगा ओ गट्टा तना वरा सरंग ढंग ले गति बिखरावत हाव भाव और कटाक्ष सोला अंग बनावत गुंगला तना वरा सरस हाव भाव ओ कटाक्ष कोला अंग बनावत ऐसे नहीं ये तुम लोग क्या कर रहे हो भाव समझती हो नहीं मुझे नहीं पता तो गुंगो को स्टडी करो वो बोल नहीं सकते मगर उनके चेहरे से हम जान जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इसी को तो भाव कहते हैं आ सुंदर अरे क्या बात है यहाँ बैठा है पेंटिंग कर रहा है क्या बात है कंप्लीट हो गई पेंटिंग काफी हद तक पूरी इसकी कुंडली कंप्लीट हो गई तैयार है तो फिर देर किस बात की है महाराज दिलशाद फरमाइए दिलशाद फरमाइए नहीं इरशाद फरमाइए इरशाद फरमाइए हाँ तो नाम है उसका पायल हाय 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 क्या नाम है नाम सुनते ही कानों में घुंघरू बजने लगे और सुनो बाप UCLA में हिस्ट्री पढ़ाता है माँ अमेरिका में हिंदी सिखाती है और बेटी यानी पायल जी भारत में नृत्य शैली पर रिसर्च करने का इरादा रखती हैं और अपने बाप के दोस्त अनिल चौधरी के यहाँ ठहरी हैं और सुनने में आया है कि मिजाज की बहुत ही तेज है बहुत ही अकड़ू है ऐसे वैसों को खास नहीं डालती अर्थात तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है बिल्कुल गलत क्योंकि पायल जैसी लड़की तुम जैसे लड़कों से अपनी गाड़ी तक नहीं धुलवाएगी वैसे आप लोगों ने इतनी तकलीफ क्यों की मुझसे बोलते मुझे सब कुछ पता था मैं सब कुछ बता देता ओ ज्यादा होशियारी मत मार दो बातें ऐसी भी है जो तेरे चाचा को भी मालूम नहीं हो सकती सर हमें मालूम है क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट है लड़की को तो सुनकर पहचान लेते हैं सुनकर पहचान लेते पिछले जना में पुलिस के कुत्ते थे क्या तो आगे सुनो ये कुत्ता कभी ना बोलना भूल जाओगे हाँ सुना सुना तो सुनिए तुम जिस लड़की को गुंगी समझते हो ना दरअसल उसकी जबान इतनी तेज है कि मेरठ की कैंची और रामपुर का चाकू वो भी इतना तेज नहीं होगा हाँ क्या बात करते
तुमने उसे बातें करते हुए अपने कानों से सुना? हाँ सुना है, सुना है। हाय हाय, क्या सेक्सी आवाज है उसकी। रोज शाम को एसटीडी से अमेरिका बात करती है वो। घर से बाहर आकर बातें करती है, मतलब मामला गड़बड़ है। कोई बॉयफ्रेंड है उसका? ए मगरलाल, क्या बकवास कर रहा है यार। ओ विश्वास नहीं होता खुद सुन लेना, मैंने एसटीडी वाले से सेटिंग करके रखी हुई है। तो लेट्स गो टू एसटीडी बूथ। Excuse me, yes. Can I make an international call? Yeah, please go to booth number 3. Hey, aage. Hey, kya lalu? Ud gaye tote? Ho gayi bolti band. Ab aage ki story bhi sun le. Daddy, I know it's funny, but it's true. Yahan jiski taraf dosti ka haath badhao, wo aapke haath mein love letter thama deta hai aur kehta hai I love you. Bas, ek wo hi hai jiske saath dosti ki ja sakti hai. Dhyan rakhna beta. कहीं वो तुम्हें भी लव लेटर ना थमा दे और बोलेगा आई लव यू। हां अगर वो बोलना भी चाहे तो नहीं बोल सकता, ही कैन नॉट स्पीक डैड। लगा झटका लगा, मायल ने अपने बॉयफ्रेंड को चुम्मा दिया होगा। नहीं पापा, जब आप यहां आएंगे ना तब मैं आपको मिलवाऊंगी, ही इज वेरी स्वीट। पर तुम बाहर से फोन क्यों कर रही हो? घर का फोन खराब है क्या? नो नो, अंकल आंटी आर वेरी स्वीट, वो किसी भी बात को नहीं रोकते। लेकिन ये रोज रोज इंटरनेशनल कॉल करना, यू नो ना पापा, आई डोंट लाइक इट, मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर उनके पैसे भी जाते हैं ना। दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखना तो कोई तुमसे सीखे। थैंक यू डैड, आई लव यू, मिस यू, बाय। क्या नाम है उसके बॉयफ्रेंड का? उसके बॉयफ्रेंड का नाम है सुंदर। क्या मतलब? मतलब यह है मिस्टर रियाज कि तुम एक गधे हो और ये दोनों वो बोझे हैं जो गधे पर ढोए जाते हैं। अबे ओ डायलॉग बाजी बंद कर और बोल फोन पर कौन था? फोन पर पायल के डैडी थे, प्रोफेसर खुराना। जी हाँ, प्रोफेसर खुराना। और वो उससे पूछताछ कर रहे थे कि शादी के बाद इंडिया रहना पसंद करोगी क्या अमेरिका आना पसंद बकवास कर रहा है यार, छोड़ना यार। वही तो बोल रहा हूँ, रास्ता छोड़ना यार, क्योंकि मुझे जाके पायल के साथ बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है। सी यू। इम्पॉसिबल, ऑल डाल इज ब्लैक। मतलब? मतलब टेंशन टेंशन। अरे क्या फटेला, ढोलक के माफिक मुंह लटका के बैठे ले, बात क्या है बोल तो खरा। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे परेशानी ऊपर चढ़ के तो आएगी नहीं, फिर भी बोल तो खरा, मैं सोचता हूँ बोल। अरे वो लड़की है ना जो उस दिन मिली थी ना, हो जो बोल नहीं सकती थी। बराबर, वो बोल सकती है। हाँ, अरे तो खुशी की बात है यार, इसमें मुंह लटकाने की क्या जरूरत है। अरे नहीं, डबल परेशानी की बात यह है कि वो समझती है कि मैं नहीं बोल सकता, मैं गूंगा हूँ। अरे तो एक बार बोल के दिखा ना, हमारा शू वांदो छे यार। अरे नहीं परेश भाई, मान लो अगर कार्तिक विल्स और रियाज को पता लग गया ना कि मैं गुंगा बनकर उसको मिलता हूँ, तो वो लोग तो मेरा भांडा ही फोड़ डालेंगे। हेलो। हेलो मैडम। नहीं नहीं, आपसे नहीं, उनसे बात करूंगी। ये तेरे को बोलती है। और तो बोल तो नहीं, तो बोलेगा तो बोलेगी, बोलता है बराबर ने। हे मारे ठोडल बैठो रे मोर, क्या बोले मारे ठोडल बैठो रे मोर, क्या बोले। अरे मैडम, इशारे से बोलने की कोई जरूरत नहीं है, खुल के बोलो ना। ये बदला समझता है, ये सुन भी सकता है, नाच भी सकता है, ये डांडा भी खेलता है। ओ एक कच लोचा है, बोल नहीं सकता है, वादा तो नहीं है। सुंदर, यहाँ इतनी ऊंचाई से कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई और दुनिया में आ गए हैं और पुरानी दुनिया नीचे रह गई है। सुंदर, क्या मैं कभी कभी तुमसे यहाँ आकर मिल लिया करूँ? तुम्हारे काम में डिस्टर्ब तो नहीं होगा ना? बे, अरे बे क्या करता है, पहले एक को सवाल ना, बे करता है। क्या हमारे गुजराती में है ने बे आने दो, इसका मतलब क्या है? दिन में दो वक्त मिलने को आने का, सवारे सवारे ने बपोरे बपोरे चौकस।
थैंक यू। ये क्या जादू सा कर डाला प्यार ने, पागल मस्ताना कर डाला यार ने, दिल चाहे कुछ कर जावा ओए रब्बा मैं मर जावा। ये क्या जादू सा कर डाला प्यार ने, पागल मस्ताना कर डाला यार ने, दिल चाहे कुछ कर जावा ओए रब्बा मैं मर जावा। ये क्या जादू सा कर डाला प्यार ने, पागल मस्ताना कर डाला यार ने। जैसे मिले हाथ ऐसे ही मिल जाए, ऐ काश तो दिल कवार दिल में न रह जाए, होठों पे आ जाए आंखों में है जो इशारे। चांदनी रात हो चाहे बरसात हो, कुछ हो जल्दी मगर फिर मुलाकात हो। ये क्या जादू सा कर डाला प्यार ने, पागल मस्ताना कर डाला यार ने। वालो सुनो मैं सुनाता हूँ तुमको ये दिल की कहानी, आती है सफर मगर टूट कर ऐसे आई है उस पे जवानी। मैं टूट के रह गया मौज में बह गया, जाने कहना था क्या और क्या कह गया। ये क्या जादू सा कर डाला प्यार ने, पागल मस्ताना कर डाला यार ने, दिल चाहे कुछ कर जावा ओए रब्बा मैं मर जावा। ये क्या जादू सा कर डाला प्यार ने, पागल मस्ताना कर डाला यार ने। ये तुम्हारे प्रोफेसर होंगे। ओके गोल्ड मेडलिस्ट। अरे सुंदर मेरी क्लासेस के लिए लेट हो गया, चलो चलो चलो। हरी आप सुंदर। तुम्हें नहीं बोलने से कोई तकलीफ नहीं होती है बाबा? तुम इशारों से सारी बातें कर सकते हो। अच्छा अच्छा समझो तुम उसे प्यार करते हो। अरे थोड़ी देर के लिए मान भी लो ना। अच्छा कहो ना कि तुम कैसे कहोगे कि तुम उसे प्यार करते हो। अरे इतना क्या शर्माना, आजकल के जमाने में तो बस लड़कियां भी हाथ पकड़ के दिल से बोल देती हैं कि आई लव यू। धत्तेरे की, ये क्या ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के हीरो की तरह बस फूल दे रहे हो।
कुछ नया करो ना। बै बै बै। अच्छा शाहरुख खान जैसे डांस करता है ना, वैसे कुछ नया करके बताओ। बै बै। बै बै। ये सब क्या हो रहा है? वो शाहरुख खान की तरह डांस कर रहे हैं। शट अप। इतनी चीप हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बोल नहीं सकता लेकिन इंसान तो है। इसे बेजुबा जानवर की तरह नचा रहे हो, ये कोई इंसानियत है? बाबा, 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 सुंदर तुम गाड़ी में बैठो, मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट टाइम तुम लोगों ने ऐसी चीप हरकत की ना तो मैं गुरुजी से तुम सबकी शिकायत कर दूंगी। Why are you feeling so angry? हम तो बस यूं ही टाइम पास कर रहे थे। टाइम पास ही करना तो किसी और के साथ करो। तू इतनी भड़क क्यों रही है? तू भी तो सुंदर के साथ वही कर रही है जो हम लोग कर रहे हैं, टाइम पास। हेलो सुंदर को देना। एक्सक्यूज मी सुंदर, कॉल फॉर यू। हेलो, हाँ बोल रियाज। क्या हो रहा है पेंटर बाबू? कुछ नहीं, पेंटिंग करने जा रहा हूँ, रात को देरी से आऊंगा। चिंता नहीं करना, बिल्डिंग के नीचे खड़ा हो जाऊंगा, तुम लोग अपना देख लेना तभी तक। अबे आज लड़कियां आ नहीं रही हैं, हम लोग जा रहे हैं उनके साथ टाइटैनिक देखने। ओहो, रोने धोने की फिल्म देखने जा रहे हो, ताकि लड़कियां रोते रोते तुम्हारे कंधे पर सर रख दें और तुम लोग बेशर्मी करो। एग्जैक्टली यार, इसलिए तो तुझे फोन किया कि पायल को साथ लेके आ जा। ए, अगर तुझे तेरा सर तेरे कंधे पर चाहिए ना तो खबरदार इस तरह की बात पायल के बारे में की। हाँ बस यार, बहुत भड़क रहा है तू तो, कहीं असली में प्यार व्यार तो नहीं करने लग गया तू? बिल्कुल सच्चा प्यार करने। अबे अबे क्या बोल रहा तू? हाय सुंदर, यू रेडी? कम ऑन लेट्स गो। अबे आओ, तू सी जा रहे हो? तुम मैनेजर को जवाब कौन देगा? अबे एनु की होया? हेलो, क्यों बे ओए, ये गूंगे की तरह क्या बोल रहा था? बे बे बे, कौन मैं? नहीं जी, वो तो सुंदर साहब कर रहे जी, मैं तो प्यून आ जी। प्यून? वो सुंदर कहाँ गया? कुड़ी नाल गया जी। कुड़ी? कैसी लग रही थी? गोरी? हाँ जी। बड़ी बड़ी आंखें? हाँ जी, वो एक कमाल दी कुड़ी थी, उसे देखते ही सुंदर साहब की बोलती बंद हो गई, बैबे करने लग पे। हाँ ठीक है ठीक है। पेंटर बाबू, तुम्हारी दुखती रक्त तो पकड़ में आ गई, अब इलाज ढूंढना पड़ेगा। आपको सुनाई तो बिल्कुल ठीक देता है ना? बैवे, बै, बैवे। कितनी उम्र थी जब आपकी आवाज चली गई थी? छोटे थे। कोई बीमारी हुई थी? बा। कोई सदमा, शॉक या कोई चोट लगी हो? बा, 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 बा। डॉक्टर साहब, क्या ये फिर से बोल सकेंगे? अभी ठीक से नहीं कह सकता, अंदर आइए जरा चेक करता हूँ। अरे सुंदर, इसमें घबराने की क्या बात है, वो चेक ही तो करेंगे ना। कम ऑन गो, गो सुंदर, आइए बैठिए। ओपन योर माउथ, ओपन वाइड। मैं कुछ नहीं करूंगा, बस जरा सा झांक कर देखूंगा कि तुम्हारी आवाज कहाँ छिपी है। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। एक्सरे करते हैं। सर ये रही रिपोर्ट। थैंक यू। शॉक ट्रीटमेंट करके देखते हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सुंदर घबराओ मत, रिलैक्स। सुंदर ठीक है?
झूला झूला बीस साल के अपने कैरियर में मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा। वोकल कॉर्ड्स नॉर्मल, एक्सरे नॉर्मल, स्कैन नॉर्मल, फिर भी बोल नहीं सकते। कुछ भी कीजिए डॉक्टर, मगर सुंदर को उसकी आवाज लौटा दीजिए। मैं एक बार उसकी जबान से अपना नाम सुनना चाहती हूँ। आपको मदद करनी होगी। आई एम रेडी। इनकी स्पीच थेरेपी करवाते हैं। स्पीच थेरेपी यानी? आप छोटे छोटे वर्ड्स बोलिए और इन्हें दोहराने के लिए कहिए। अगर इनके मन में बोलने की ख्वाहिश पैदा हो गई और कोशिश करेंगे तो जरूर बोल पाएंगे। आ, आ, बा, दावा, ओहो, या, जाओ। गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा बोलो बे, ब्ले, मे, ये, बोलो प्यार, आमरू, ओहो, अच्छा बोलो लव, लव, जान, बोलो बोलो जान, हाँ, अच्छा ये बोलो लव यू, लव यू, तेरी आँखें बोलती हैं। तेरी आंखें बोलती है, तू भी तो कुछ बोल सवरिया बोल। मेरी सांसें डोलती है, तू भी मेरे संग डोल सवरिया बोल। बाय।
सुंदर, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती ना। बाबा बा, अबा, 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 पेंटिंग करने जाना है। बा, यू श्योर? बा, ओके, बाय। बा। अरे रुक 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 रियाज, रुक, देख यहाँ पे खड़ा है, देख, चला जा। ए, मजनू की औलाद, चल बैठ, चला जा बैठ, चल चल अंदर चल, बैठ। अरे बैठ, बैठना गाड़ी में, यहाँ नाटक मत कर, चल अंदर आके बैठ, चल चल। अरे क्या हुआ, अरे कोई बताएगा भी के? अरे बात क्या है भाई? अरे यार ये नाटक मंडली बंद करो और कोई मुझे बताओ कि बात क्या है यार। अरे आखिर बात क्या है यार, कोई बताएगा भी मुझे? मगनलाल, ए मगनलाल, तुम एक भिखारी से भिकाई गुजरे हो। अरे एक लड़की की दोस्ती पाने के लिए तुमने अपने आप को रास्ते का फकीर बना दिया। मैं अंधा हूँ, मैं गूंगा हूँ, मैं बहरा हूँ, मुझे मदद करो, मुझे मदद चाहिए। हर दोस्ती बराबरी का सौदा है बच्चे, जब दो हाथ बढ़ते हैं तभी मिलते हैं, हाथ फैलाकर दोस्ती की भीख नहीं मांगी जाती। मुझसे दोस्ती कर, मुझसे दोस्ती कर। झूठा साला बोलता है, उस लड़की के साथ जॉगिंग करने जाता हूँ। अरे उसके साथ जॉगिंग वॉकिंग छोड़, उसके साथ टॉकिंग भी नहीं कर सकता, इसलिए गूंगे का नाटक कर रहा है साला। यही समझाने तुझे यहाँ लाए थे कि गूंगे बनकर सिर्फ रहम मिल सकता है, प्यार नहीं। इसलिए तुम उस लड़की को, हमें और खुद को उल्लू बनाना छोड़ दो, समझे? जो पता ना था पता दिया, अब उस लड़की को जाके हम लोग सच सच बता देते हैं। चलो चलो, एक मिनट, आप लोग सब मेरे दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरा भला चाहते हैं, आप लोगों को जवाब देना तो बदतमीजी होगी, इसीलिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या मैं अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा नहीं, ये मेरी गलती है? क्या मैं गरीब हूं, मेरा नाम नहीं है, ये मेरी गलती है? क्या मैं गांव में पैदा हुआ गंवार हूं, ये मेरी गलती है? क्या मैंने ऊपर वाले से कहा था कि मुझे एक ऐसे गरीब बाप का बेटा बनाना जो जिंदगी भर रेलगाड़ी के लाइन के फाटक खोलता रहे मगर कभी अपने बेटे की तकदीर का फाटक नहीं खोल सके? तुम लोग को मालूम है मुझे पढ़ाई का बड़ा शौक था, मैं अपने घर के झोपड़े पर कोयले से लिखकर पढ़ा करता था क्योंकि स्कूल 12 मील दूर थी। जब तक बाबूजी थे मुझे साइकिल पर ले जाया करते थे और बाद में वो साइकिल भी उनकी उनकी बीमारी में बिक गई, बाबूजी नहीं रहे और उसके बाद में वो स्कूल, स्कूल से तो जानदार भी मुझे ज्यादा करीब नजर आते थे। मैं मिट्टी गूंथता था, माँ उसके खिलौने बनाया करती थी और मेरी माँ के आंसू जब उस गीली मिट्टी के अंदर गिरते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सारी दुनिया में आग लगा दूं। मुझे वो खिलौने बेचने में तकलीफ होती थी क्योंकि उसमें मेरी माँ के आंसू मिले हुए होते थे। शायद इसीलिए मेरी माँ ने अपने आंसू छुपा ली, मगर इंसान इंसान अपनी आग के आंसू छुपा सकता है, दिल के नहीं। जब मैंने अपनी मां की पहली रोती हुई तस्वीर बनाई तो दुनिया वालों ने जाकर मेरी मां के आंसू नहीं पोंछे, जाकर उसे बधाई दी कि मुबारक हो, तुम्हारा बेटा कलाकार बन गया है। उसके बाद मैं लोगों के मरे हुए मां बाप, दादा दादी, नाना नानी, इन सब की तस्वीरें बनाने लगा। ये कहना बड़ा आसान है कि इंसान को हर हालत में पढ़ना चाहिए, दिन भर काम करो रात को पढ़ाई करो, मगर ये हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि इंसान की उंगली के नाखून में अगर लकड़ी की छोटी सी फांस गड़ जाए तो बड़े से बड़े साधु महात्मा के प्रवचन पर ध्यान नहीं जाता, लकड़ी की वो छोटी सी फांस इंसान के मन में खटकती रहती है। बस इसीलिए मैं भी अनपढ़ रह गया, पढ़ लिख नहीं सका, मुझे से छोटे कलाकार को जो कुछ भी मिलना चाहिए था वो सब कुछ मिल गया, बस एक चीज नहीं मिली, सच्चा प्यार।
मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि शादी कर लो, मगर शादी के बाद जो प्यार मिलता है मेरा उसमें विश्वास नहीं है, क्योंकि पति कैसा भी हो पत्नी को उसे प्यार करना ही पड़ता है। ये प्यार नहीं मजबूरी है, और मुझे मजबूरी नहीं प्यार चाहिए। मैं जानता हूं पायल मुझसे प्यार नहीं करती, उसे तो बस एक गुंगे के लिए हमदर्दी है दिल में। लेकिन जो इंसान जिंदगी भर रेत के मैदान पर अकेला चला हो उसके लिए पानी की एक बूंद भी सागर से बड़ी होती है, इसीलिए मैं उस बूंद को खोना नहीं चाहता। और फिर बात कितने दिनों की है? सिर्फ 3 ही महीने की तो है। 3 महीने बाद वो अमेरिका चली जाएगी हमेशा के लिए, मगर मैं उसकी यादों के उजालों के सहारे अपनी तमाम जिंदगी की शामें गुजार लूंगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूं यार, उसको सच मत बताना। सुना था मगर आज देख लिया, प्यार दीवाना होता है। ओम अगरबत्ती नमः। फोन आया नमः। ओम छदा फोन बूथ पर। अबे बाबा तुम बोल सकते हो? बाबा आ बाबा ऑफिस ऑफ। अच्छा भीखू कैसे हो तुम और काम कैसे चल रहा है? सब अच्छा ही चल रहा है। ओम फोन आया नमः। गुड। ओम देवी मां नमः। देवी मां ने एक लंगड़े भिखारी को पीसीओ खुलवाकर इज्जत की रोटी दे दी है। देवी मां एक तस्वीर आपकी खींचना चाहता हूं। भीखू एक भीखू क्या है ना, मैं शिव जी और पार्वती की पूजा करता हूं तो सोच रहा हूं इनकी भी एक तस्वीर यहां पर लगाई। ओके रिलैक्स रिलैक्स भीखू। मेरे मन की सारी मुराद अबे पैसा ले लो ना, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है और ये मेरी तरफ से तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। अबे बच्चों के लिए मिठाई खरीद लेना, ठीक है? देवी माँ है, आपको बोलना नहीं आता, मुझे चलना नहीं आता, और देवी माँ ऐसे ही लोगों पर माया रखती है। देवी माँ आपको प्रणाम। ओके ना रिलैक्स कम ऑन सुंदर। अच्छा हुआ तुम मिल गए, हम सब पिकनिक ले जा रहे हैं, तुम आओगे हमारे साथ? अबे चलो। अबे अरे अगर मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ होता ना तो तुम सबकी टिकट यू ले लेता। लड़कियों ने बुलाया तो दुबिला कर चला आया, ये भी नहीं सोचा कि जेब में 50 रुपए का नोट है वो भी फटा हुआ, चलेगा कि नहीं चलेगा इतना भी नहीं पता। अबे बेवकूफ, दोस्तों के कपड़े चोरी चुपके पहन कर चला तो आता है मगर जेब में पैसे कहां से लाएगा? अबे लल्लू के पट्टे वो अमीरों की बेटियां हैं, भर भर नोट उड़ाती फिरती हैं, अभी जेब के खड़ा रहना पड़ेगा ना उनके पीछे। खड़ा रहे जब दो आदमी बातें करते ना भाई साहब तो सुना नहीं करते। ओए तू भी 50 रुपए का नोट लाया और नहीं ला सकता से की? सुंदर ये रख लो और वहां सबके पैसे तुम दे देना। ओके वी रियली एंजॉय। थैंक यू सुंदर। हम वहाँ बहुत खुश है सुंदर, लेकिन यहाँ आकर एक अजीब सी शांति मिली है मुझे जो पहले मैंने कभी महसूस ही नहीं की। दिल और दिमाग की लड़ाई में कुछ ऐसा ही होता है ना सुंदर।
दिमाग अंजाम सोच के रुक जाता है और दिले की मानती है। मैडम, आप यहाँ साइन करिए। जब इसे कल कोर्ट में पेश करूंगा तो आपको आना होगा। मैं जरूर आऊंगी। ब्रेव गर्ल। लोग ऐसा क्यों करते हैं सुंदर? जो विश्वास करे उसी के साथ विश्वासघात करते हैं। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन झूठ कभी नहीं सह सकती। मैं सब कुछ माफ कर सकती हूँ, लेकिन धोखेबाज को कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। हम सबको इसी बात का डर था। अरे बाप रे, जब उसे तेरी असलियत का मालूम पड़ेगा तो तेरा क्या होगा मेरे भाई? इसका तो मर्डर कर देगी वो। तो पहले तो ये बता कि तू उसे सीरियसली प्यार करता है या ऐसे हम लोगों की तरह टाइम पास कर रहा है? टाइम पास? सच्चा प्यार, सच्ची चाहत ही क्या होती है मैं नहीं जानता था। पायल से मिलने के बाद पहली बार पता लगा कि चाहत क्या होती है। वो बहुत अच्छी है दोस्तों। अच्छी है, बहुत अच्छी है, यानी कि तू उसके प्यार में पड़ चुका है। देख, मेरे हिसाब से तुझे उसे सब कुछ सच सच बता देना। क्या बात कर रहा है तू? वो इससे इसलिए प्यार कर रही है क्योंकि ये गुंगा है, और तू बोल रहा है उसे बात करने के लिए? मरवाएगा तू यार। नहीं यार विल्स, सच्ची मोहब्बत की बुनियाद कभी झूठ पर नहीं रखी जा सकती। कभी पायल को कहीं और से पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। देख, मेरे हिसाब से तू उसे सब सच बता दे। हाँ, सब सच बता दो, बता दो सब सच। इसे चार गालियां देगी और उसके मुंह पे थूक के जाएगी, देख लेना। एक हो सकता है, तू सच नहीं बोल सकता ना, तो एक बार झूठ बोल दे। हमें पहले ये पता करना चाहिए तेरे मामले में उसकी रिएक्शन क्या है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे झूठ बोलना या नहीं बोलना। अच्छा सुंदर, मुझे एक बात बताओ, ये आर्टिस्ट लोग दुनिया से दूर क्यों भागते हैं? मैं तुम्हें कहां कहां ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ छुपे बैठे हो। और ये क्या लिख रहे हो तुम? लव लेटर? मैंने तुमसे झूठ बोला था, झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? ना मैं कभी कॉलेज गया हूं, ना ही मुझे कभी गोल्ड मेडल मिला है। सुंदर, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अगर तुमने एक सच बोला है तो मैं भी एक सच बोलती हूँ, बुरा मत मानना। मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती इसलिए नहीं की कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो,
तुम्हारे साथ घूमने फिरने की वजह यह है कि मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था कि अगर डांस में भाव सीखना हो तो उनसे सीखो जो बोल नहीं सकते। तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, मेरी आंख में आंसू नहीं आए, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई ये जानकर कि सुंदर ने मुझसे झूठ कहा। मेरे सुंदर ने, मैंने भी तुमसे एक झूठ बोला है। इससे पहले मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। मैंने तुमसे बेजुबानों की जुबा सीखने के लिए दोस्ती नहीं की, रस और भाव जानने के लिए दोस्ती नहीं की, यह समझ के दोस्ती की कि तुम सच्चे हो, जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर हो, गंगा जल की तरह जिसके आर पार देखा जा सके। फिर तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो? अच्छा चलो मान लिया कि तुमने थोड़ी देर के लिए इंप्रेशन जमाने के लिए मुझसे कुछ गलत बात कह दी, मगर इतने दिन तक इस बात को तुम मुझसे कैसे छुपा के रख सके? तुम कैसे आर्टिस्ट हो सुंदर, इतना भी नहीं जानते कि दोस्ती भरोसे का दूसरा नाम है? भरोसे की जिस नाव से समुंदर पार किए जाते हैं, झूठ का एक छोटा सा छेद उसे डुबो देता है। आइंदा एक बात का ख्याल रखना सुंदर, हम जिसे प्यार करते हैं उसे हम झूठ नहीं बोलते, और जिसे हम झूठ बोलते हैं इसका मतलब हम उसे प्यार नहीं करते। भाभी जी, पायल ने कथक और ओडिसी कितना सीखा है ये तो मालूम नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, लगता है कुछ ही दिनों में पेंटर जरूर बन जाएगी। पेंटर? हाँ, 24 घंटे ऐसे आदमी की तारीफ करती रहती है जिसका नाम सुंदर है। पापा, सुंदर बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। I'm thoroughly impressed. किससे इंप्रेस्ड हो, पेंटर से या पेंटिंग से? आप उसे पहले मिलिए तो सही, फिर बात करेंगे। लोग ऐसा क्यों करते सुंदर, जो विश्वास करे उसी के साथ विश्वासघात करते। मैं सब कुछ सह सकती हूँ लेकिन झूठ कभी नहीं सह सकती। मैं सब कुछ माफ कर सकती हूँ लेकिन धोखेबाज को कभी माफ नहीं कर सकती। आइंदा एक बात का ख्याल रखना सुंदर, हम जिसे प्यार करते हैं उसे हम झूठ नहीं बोलते, और जिसे हम झूठ बोलते हैं इसका मतलब हम उसे प्यार नहीं करते। झूठा होता है, न सच्चा होता है, न झूठा होता है।
जी हैं आप कौन बोल रहे हैं जी मैं ओफो पायल से मैं क्या कहूं कौन बोल रहा है जी मैं सुंदर बोल रहा हूं सुंदर कौन सुंदर जी सुंदर उनका फ्रेंड ओह तो आप सुंदर बोल रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड आप एक मिनट होल्ड करिएगा एक मिनट पायल 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 सरप्राइज फॉर यू सम इडियट वांट्स टू टॉक टू यू कहता है सुंदर बोल रहा हूं सुंदर यस नाउ वेट एंड वॉच आई सी ओ हेलो हेलो मैं पायल बोल रही हूँ पायल मैं सुंदर कौन सुंदर सुंदर तुम्हारा फ्रेंड देखिए अगर आपको मेरी आवाज सुनने का शौक है तो वो आप सुन चुके हैं और वैसे भी आप सुंदर हो ही नहीं सकते क्योंकि ना ही वो ऐसे चीप जोक करता है और ना ही वो झूठ बोलता है क्योंकि वो बेचारा बोल ही नहीं सकता नाउ पुट द फोन डाउन एंड डोंट कॉल मी अगेन स्टूपिड ओह माय गॉड कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी हम लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे ऐसे क्या देख रहे हो अंदर आओ ना कम इन आज मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी जिनसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ ये मेरी मम्मी और ये मेरे डैडी बैठो ओके डैड क्विज टाइम ये कौन है अरे हम जानते हैं कि ये सुंदर है वाओ ये गेसिंग फाइन इसमें कौन सी बड़ी बात है ये तो मैंने भी पहचान लिया था कि ये सुंदर है ये कैसे मम्मी तुम्हारी आंखों की चमक देखकर Now that's like my parents. पायल के साथ तुम्हारे बारे में इतनी बातें हो चुकी हैं कि लगता है कि मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ
देखो बेटा, तुम तो जानते हो कि मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूं, और हिस्ट्री कहती है कि देयर इज नेवर अ कंप्लीट मैन। इसलिए तुम अपनी इस कमी से कभी घबराना नहीं और ना ही शर्मिंदा होना। इस बात से मुझे याद आया, विक्रम ने मुझे कहा कि अभी थोड़ी देर पहले ही किसी ने उसे फोन करके कहा कि मैं सुंदर बोल रहा हूं। इडियट, इतना भी नहीं जानता कि सुंदर तो बोल ही नहीं सकता। लेकिन पायल, विक्रम कह रहा था कि उसकी आवाज सुंदर से बिल्कुल फिट होती है। आई मीन, अगर ये कभी बोलेगा ना तो इसकी आवाज भी बिल्कुल वैसी ही होगी। अरे सुंदर, तुम हाउ नाइस, तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आ गए हो। खाना खा रहा हमारे साथ। उठो भाई, खाना लग चुका है। कम उठो बेटे। कम सुंदर, कम। हाँ बेटा, बैठो। आइए आइए। क्या खुशबू है भाई। आपके लिए मनपसंद खाना है। प्लीज पास अ स्पून। और उनके लिए तो डैड के मुताबिक। डैडी प्लीज फिनिश योर बोल ऑफ सैलेड। तुम हाथ धो रहे हो कि ना रहे हो? चलो भाई खाना शुरू करो। सुंदर बैठो ना। बैठो बेटा, बैठ जाओ। मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं, आप लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूँ। ये तो बोल सकता है। मैं तो समझ रही थी कि बेटा। मुझे तो पहले से ही शक था। देखिए, मैं जानता हूँ आप जैसे अच्छे लोग, खास तौर पे पायल का दिल दुखाना कितना बड़ा पाप है, लेकिन मैंने सभी जानबूझकर नहीं किया। वो बात एक गलत फहमी से शुरू हुई और इतनी दूर आ गई कि कहीं मैं पायल को खोना दूं इस डर से मैं सच बोल ही नहीं सका, बस झूठ ही बोलता रहा। पायल, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, जो चाहे सा साथी सब। ग्रेट सुंदर, तुम तो बहुत ही बड़े एक्टर निकले। बड़ी खूबसूरती से इन्होंने हम सबको बेवकूफ बनाया है। हम सब इनके बोलने की बात करते रहे, उन्होंने हमारी खुद की बोलती बंद कर दी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये आदमी इतना नीच होगा। आज के बाद आदमी की औकात देकर उसे संबंध बनाना पायल। और पायल तो इसकी तारीफ करते थकती नहीं थी। यू लायर, यू फ्रॉड, धोखेबाज, निकल जाओ यहाँ से। पायल मेरी बात। शट अप, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। यू लायर, पायल एक बार मेरी बात। चीट, यू फ्रॉड। पायल मेरी बात सुनो। जस्ट गेट आउट, गेट आउट हियर। पायल, पायल। क्या प्रॉब्लम है यार, तुम हाथ धो रहे हो कि ना रहे हो? तो चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। Come on, सुंदर। कम सुंदर। वो हाथ धो रहा था। ये लो दाल। Thank you, Dad. Spoon. आप भी लो। आज पापड़ नहीं खा रही हो, क्या बात है? रोटी। पायल? हाँ? हेलो 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 हेलो। अरे नीचे देखिए। सुंदर कहाँ है? इधर तो सुंदर आया नहीं, दूसरे साइड पर रहेगा। अगर आप उसे मिलोगे तो उसे बोलना कि मुझे घर पे आके मिले। हाँ बोलता हूँ, हाँ बोलता हूँ, बोलता हूँ। आओ जाओ, आओ जाओ। ये भाई सुंदर, तेरा काम हो गया, चल बाहर आ जा। वो मेरे गुरुजी है ना, बिजू महाराज, कथक वाले। उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और वो 12-12 घंटे रियाज करते हैं। पता नहीं कैसे करते होंगे, मैं तो एक ही घंटे में हाफना शुरू कर देती हूँ। और अब मैंने पंडित रविंद्र जी से ओडिसी सीखना शुरू किया है। सब बातें छोड़ो और आंखें बंद करो, बहुत खूबसूरत सी चीज़ मिलेगी।
आंखें बंद करने से सिर्फ एक ही खूबसूरत चीज मिलती है, सपने। ये चीज तुम्हारे सपनों से ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब आंखें बंद करो और हाथ बढ़ाओ जल्दी। ओके। कम ऑन विकी, हरी अप। वन सेक। कम ऑन, डैम इट। दिस थिंग विल वर्क, आई गेस। Where have you got this from, yeah? This is for you. Open your eyes. आंखें खोलो। Wow. How do you like it? बहुत सुंदर है। क्या हुआ? विक्रम, 10 दिन हो गए और सुंदर नहीं मिला। पता नहीं वो कैसा होगा। मैं उसे मिलकर आती हूँ। ओके, बाय। पायल, पायल एक मिनट। पेंटर था, ऊपर से गिर गया। इतनी ऊंचाई से गिरा है, क्या पता बचता है कि नहीं। बस आवाज भी नहीं निकली, बेचारा गूंगा था ना। इमरजेंसी वार्ड कहाँ है? आपको किससे मिलना है? एक पेंटर जो होर्डिंग से गिर गया है। आई एम सॉरी, वो तो फिनिश हो गया, उसे मॉर्ग में लेके गए हैं। आपको कब से पूछ रहा हूँ, डेड बॉडी से आपका क्या रिलेशन है? आप जवाब नहीं दे रही है। मुझे बॉडी देख दीजिए प्लीज। सॉरी मैडम, बिना डीएमओ परमिशन के बगैर हम आपको बॉडी नहीं दिखा सकते। तुमसे डरते रहते हैं, हम तुमसे डरते रहते हैं, दुनिया वाले ये कहते हैं। लग जाता है ये दिल कहीं लग जाना होता है, ये प्यार दीवाना होता है, ये प्यार दीवाना होता है। जादू जग न जाए क्या पता,
तुमसे दिल हमारा लग न जाए क्या पता मीठी नजरें खो जाएगी मुश्किल बड़ी हो जाएगी मीठी नजरें खो जाएगी मुश्किल बड़ी हो जाएगी हम तावा करते रहते हैं हम तावा करते रहते हैं दुनिया वाले जाता है ये देखते ही लग जाना होता है ये प्यार दीवाना होता है ये प्यार दीवाना होता है जागेंगे आज हम रात को छेड़ेंगे कल फिर बात को जागेंगे आज हम रात को छेड़ेंगे कल फिर बात को सब आशिक जगते रहते हैं सब आशिक जगते रहते हैं दुनिया वाले ये कहते हैं लग जाता है ये दिल कहीं लग जाना होता है ये प्यार दीवाना होता है ये प्यार दीवाना होता है हम तुमसे डरते रहते हैं दुनिया वाले ही कहते हैं लग जाता है ये प्यार दीवाना होता है ये प्यार दीवाना होता है वाह क्या बात है अच्छी है पेंटिंग लेकिन कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि इस देश में लोगों के पास रोटी खरीदने के लिए पैसे नहीं है तेरी पेंटिंग कौन खरीदेगा अरे इससे तो अच्छा है नो वैकेंसी बोर्ड का पेंटिंग बना लखपति बन जाएगा साला ढाबे के आगे कसमें खा रहा था कि पायल के सामने कभी नहीं जाऊंगा और यहाँ पेंटिंग बना रहा है बोलना बोलता क्यों नहीं क्या हुआ तेरा वादा तेरे सपने तेरे इरादे इरादा तो यही था कि उससे कभी नहीं मिलूंगा लेकिन लगता है भगवान को कुछ और ही मंजूर है आज जब वो मेरी साइट पर गई और उसे मालूम पड़ा कि इस बैनर पे पेंटिंग करने वाला कोई पेंटर गिर के मर गया तो मालूम है उसने क्या किया वो पागलों की तरह हर अस्पताल में ढूंढती फिरी और जब मैं उसे जिंदा नजर आया तो हजारों लोगों के सामने दौड़कर आकर मुझसे लिपटती हुई रोने लगी और उसके बहते हुए आंसू में सब कुछ बह गया मेरी कस्में मेरे वादे मेरे इरादे मैं खुद भी और अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता नहीं। ओ मैडम तारे पास सिगरेट है के? What? You fool? अपनी अंग्रेजी अपने पास रखा कर समझी Stupid. तो कितने चली चल पागल अरे भाई शक्ल और हुलिया से लागे तू बड़ा तगड़ा स्मोकर है चल सिगरेट पिला मैंने अरे जल्दी कर पिला दे यार हा? ज्यादा सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होवे अजीब आदमी है इतनी बुरी शक्ल क्यों बना भाई तू किसी फिल्म का हीरो है भाई कपड़े देख किसी फैशन शो में जान लग रहे है के अरे इससे क्यों दिद्दे फाड़ के देखे आके
गोली मारेगा आंखों से, लुटेगा। अरे थारी शक्ल इतनी खराब है कि तुझसे मैं अपनी भैंस की शादी भी ना कराऊं। अरे थारे जबड़े में जबान ना है के भाई, गुंगा है के ए? अरे गुंगा तो बता दे भाई। मेरे जबड़े में तो जबान है लेकिन आज के बाद तेरी जबान बंद हो जाएगी, क्यों बकवास खराब है? अरे भाई गुस्सा क्यों हो रहा है यार, ध्यान से सुन, मैं तो टेलीविजन के लिए काम करूं, भारत की जनता का टॉलरेंस लेवल चेक करूं। किधर है कैमरा? अरे यार देख यार, यो रहा कैमरा, जूम इन कर, जूम इन, जूम इन। तन्ने मैंने कभी टीवी पे ना देखा। अरे क्या यार, पहले भड़का दिया बाद में फालतू में। चल अभी इसके बाद ना प्रोग्राम चलता तुम्हारा, तुम नजर नहीं आते उसमें। तन्ने मुझे पहचाना ना? उधम सिंह जी भाई देख ले। अरे उधम सिंह जी, उधम सिंह, हाँ देखा है। सॉरी 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 सॉरी, वो क्या है ना, मुझसे इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती है। सॉरी भाई, मैं चलूँ जरा, टीवी पर प्रोग्राम है शनिवार सोनी पर आएगा, देखना ना भूल ले। ठीक है उधम सिंह जी ना। अरे आई एम सॉरी सॉरी, प्रोग्राम देखना ना भूल ले। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा मैं चलूँ। उधम सिंह जी, ओके 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 ओके। विक्रम तुम इस वक्त? हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अजी जिन्हें मालूम करना होता है वो कैसे भी मालूम कर लेते हैं। एनीवे थैंक यू। अभी नहीं, केक काटने के बाद। ओके डांस कर, कम ऑन। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी होगी। तुम्हें कैसे पता? मुझे इसलिए पता है क्योंकि हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और दुआएं कभी खाली नहीं जाती। थैंक यू। पायल तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो, पार्टी में कुछ कमी है क्या? नहीं नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर सुंदर होता तो। सुंदर ना, उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की हमने लेकिन मिला ही नहीं। उसने फोन भी नहीं किया तुम्हें, एटलीस्ट विश तो करना चाहिए। yes. था। शायद उसे पता ही नहीं कि आज मेरा बर्थडे है। बिल्कुल गलत बात, हमने तुम्हें कहा था ना, जिसको मालूम करना होता है वो कैसे भी मालूम कर लेता है। अरे भाई छोड़ो, चलो खाना खा लो, बातें बाद में कर लेना। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है विक्रम? चलो देखते हैं। जन्मदिन तो बहुत देखे मैंने मगर इतनी खूबसूरत मुबारकबाद आज तक नहीं देखी मैंने। मुबारकबाद। सच पायल, इतना सुंदर तोहफा तो सिर्फ सुंदर ही दे सकते हैं। निकल के दिल से तेरे वास्ते सदा आई, उठाए हाथ तो याद एक ही दुआ आई, कि तेरी उम्र को दुनिया की उम्र लग जाए, कि वक्त साल गिने और गिन के थक जाए। वाह दीवाने दिल ने हमको दीवाना दीवाना कर दिया, नई नई दोस्ती को पुराना पुराना कर दिया, जागे जागे सो गए बैठे बैठे खो गए, होते होते हो गए गुमसुम गुमसुम हम तुम हम तुम। दीवाने दिल ने हमको दीवाना दीवाना कर दिया, नई नई दोस्ती को पुराना पुराना कर दिया।
क्या हो गया, जाने कब हो गया, जाने कहाँ हो गया, जाने कैसे हो गया। दीवाने दिल ने हमको दीवाना दीवाना कर दिया। नई नई दोस्ती को पुराना पुराना कर मस्ती में चूर है, जागे जागे सो गए, बैठे बैठे खो गए, होते होते हो गए गुमसुम गुमसुम हम तुम हम तुम। दीवाने दिल ने हमको दीवाना दीवाना कर दिया। नई नई दोस्ती को पुराना पुराना कर दिया। जागे जागे सो गए, बैठे बैठे खो गए, होते होते हो गए गुम सुम गुम सुम हम तुम हम तुम। तुम्हारे दोस्त ने बताया था कि हर पूर्णमासी की रात तुम ताज के साथ बिताते हो। बे समझ गई, ये सच्ची मोहब्बत की निशानी है। बेबे आर यू मैड पायल, अकेली गाड़ी लेके दिल्ली से आगरा, वो भी रात को, अगर कुछ हो जाता तो। आई एम सॉरी विक्रम, लेकिन मैं सुंदर को थैंक्स करने आई थी। पायल ये अमेरिका नहीं इंडिया है, यहाँ रात को लड़कियां अकेली घूमने नहीं जाती। पायल और सुंदर, तुमने भी पायल को, तुमसे तो बात ही करना लगा है। खैर अब चांद तो देख लिया, कल सुबह का सूरज देख के चलना है या अभी चलना है? चलो सुंदर। वैसे यू नॉट अ बैड पेंटर हाँ सुंदर, तस्वीरें अच्छी बना लेते हो तुम, लेकिन मेरी सलाह मानो तो तुम मुंबई चले जाओ, मैं लेटर दे दूंगा, वहां मेरे दोस्त की बहुत अच्छी बहुत बड़ी एड एजेंसी है, तुम बस वहां जाना, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बोलो जाओगे? बे शिट, यहां तो कोई धक्के मारने वाला भी नहीं मिलेगा। बे अरे नहीं नहीं तुम नहीं यार, प्लीज बे 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 आइए आइए अंदर आइए प्लीज कमिल आइए। आप रास्ता
छोड़ेंगे तो मैं अंदर आऊंगी ना। रास्ता रास्ता आखिरी रास्ता एक ही रास्ता, रास्ते है प्यार के, प्लीज कम इन। रास्ते का पत्थर, रास्ते का पत्थर। सुंदर कहाँ है? नहा रहा है। तो ये गाना कौन गा रहा है? सुंदर। क्या? नहीं, मेरा मतलब है रियाज सुंदर गाना गाता है। प्रैक्टिस नाते नाते प्रैक्टिस। तो क्या दोनों साथ में नहा रहे? नहीं, क्या है, दो बाथरूम है, एक छोटा बाथरूम एक बड़ा बाथरूम। छोटे बाथरूम में गाना गाते हैं, बड़े बाथरूम में नाते हैं, गाते हैं नाते गाते नाते। आइए कम इन, आइए। लेकिन ये गाना काफी अच्छा है। काफी बड़ा है, बैठिए। क्या हुआ? काफी गंदा है, मैं इसे साफ कर देता हूँ। एस्ट्रे बैठिए। कुछ नहीं, खास नहीं है। अब देखिए ना, ये रियाज मरवाएगा साला। पायल आई है, पायल आई है। मेरी आवाज तो नहीं सुनी उसने। डोंट वरी, मैंने कह दिया है रियाज गा रहा है। और मैं? ना रहा है। मरवा दी ना, दोनों ना रहे हैं क्या? तू ना रहा है, वो गा रहा है। ये रियाज का गाउन है, जल्दी से पहन के आ जा। अच्छा। आ जा। क्या मरवा यार, इसका मस्ती की सूझी हुई है, मुझे टेंशन हो रही है। सब ठीक है। अरे सुंदर, तुम तो अजीब आदमी हो, बिना बोले गाड़ी से उतर के चले गए। विक्रम कह रहा था कि उसने तुमसे पूछा भी कि पायल को जगा दूं, लेकिन तुमने मना कर दिया। क्यों? बे तुमको मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगा? बे 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 चाय नहीं, I'll take coffee। क्या कर रहा है? अभी दूध की बोतल है वो। तेरा दिमाग खराब हो गया, कॉफी बना कॉफी। ए नमक है। खुलता नहीं है। गांव में कितनी ताकत थी तुझमें। अच्छा, कुछ क्या है? आज कुछ नहीं खुला। कौन ये? अरे क्या बताऊं यार, उसको मालूम पड़ गया क्या? उस कमीने ने मुझे जानबूझकर उतार दिया था, और अब उसको बोल दिया कि मैं आधे रास्ते में बगैर बोले उतर गया, इसलिए पूछने आई है। हाय क्या प्यार है। अब क्या हुआ? मैं यार, ये तू क्या करते रहता है यार? मैं ये रियाज का तो पूछने का है यार। ये एक मिनट। वेरी गुड वेरी गुड, पास 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 पास, जा 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 जा, वेट कर। वाह रे मेरे एक्टर, हाथ जलने पर भी माँ नहीं बेह निकलता है। इतने दिनों से तुमने मुझसे बात छुपा के क्यों रखी? सुंदर, तुम इतने अच्छे आर्टिस्ट हो और तुम अपनी आर्ट लोगों से छुपा के रखते हो। You're damn good. You're so good. You're superb. You're mind blowing. You don't know your worth. But very bad. तुमको मुझसे तो ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। Sorry वॉरी कुछ नहीं। तुम्हारी सजा ये है कि ये सारी पेंटिंग्स मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। Agreed? क्या सोचते हो हैं? अरे मैं तो रोज सोचता रहता हूँ कि तू क्या सोचता रहता है। मैं तो सोचता हूँ आज के मैच में आपड़ो सचिन है ना। सचिन कौन है? सचिन कौन? अभी इधर से कूद जाओ मैं। अरे सचिन तेंदुलकर। हाँ तो सचिन तेंदुलकर बोलना यार। अरे पूरा दुनिया का सबसे बड़ा डांडाबाज, ऐसा डांडा कोई खेलता नहीं मालूम है। उसके ऊपर मैंने पैसा लगा 50 रुपया, 50 का 500 सेंचुरी मारेगा ने, मुझे 500 रुपया मिलेगा। अरे इसकी दुनिया में आज फाइनल मैच है। ओ
इंडिया नहीं वो श्रीलंका। अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे घर में टीवी नहीं है ना, वही लोचा है। तो तू मेरे घर चलना, रियाज का टीवी कितना बड़ा है। तुम मेरे घर जाते जाते वो सचिन भी अपने घर चले जावे। तो फिर अरे एक काम करे, आओ पायल है ना मोटर वाली, वो इधर किधर रहती है। हाँ, उसका घर तो सामने। अरे उसके घर में जाकर टीवी में देखेंगे ना मैच, सचिन का डांडा देखने का मेरे को बहुत शौक है बापू। अच्छा। बहुत मजा आते क्या बोले रे, एक मिनट है ना, क्या बोले हमारा टडला बेटा रे मोर, क्या कौन है? अबे बाय बाय, पायल घर में नहीं है। बाबा बाय 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 बाय, वो अपने स्कूटर से दिल्ली शहर से दूर गई है। ओके ओ बाय, हाय सुंदर, बाय ऊपर आ जाओ बाबा। हाँ बाय, हाँ सुंदर कम बाय 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 बाय। आओ सुंदर। बाबा बाबा बाबा, हाँ मैं पहचानती हूँ, तुम्हारा पार्टनर है ना। पर चावल बाबा, ग्रेट पेंटर, ग्रेट है ना, हम लोग ऊपर चढ़ के पेंटिंग करते हैं ना। हाँ। अभी एमए भूषण है, उसका नाम बहुत ऊपर है, पर ऊपर चढ़ते नहीं है, नीचे से चढ़ते हैं, हम चढ़ते हैं। ऐसे अचानक कैसे आ गए सुंदर, अपनी पेंटिंग्स वापस लेने आए हो? मैं तुम्हारे पेंटिंग्स नहीं देने वाली। बाबा 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 बाबा, दीवारों पे लगा दो। ठीक है, तुम लोग क्या पियोगे? चाय। सुंदर को तो चाय चलेगा, अपने को तो लेट आवे ना देर से, वो अपने को चले टिकट देखने आए ना। बा तुम लोग बैठो बाबा, टीवी ऑन है ना। बा अभी क्रिकेट लगा था। That's nicely played. Will it beat Gurusinghe? Yes, it has. In the air and taken by Jai Surya. So India lose the first wicket with 8 runs on the board. Hey, Baba, 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 मैं तो बंद करता हूँ। मूड खराब होता है ना। अच्छा ये देखिए। सुंदर। अरे सुंदर। अरे सुंदर। अरे टीवी पर तू है बापू। अरे सुंदर तुम टीवी पे आ रहे हो, तुमने तो बताया भी नहीं। मैं सबको बुला के लाती हूँ। आंटी। अरे बंद कर, वरना उसको पता लग जाएगा कि मैं गूंगा नहीं हूँ। अबे बंद कर। इसमें क्या बात है? रिमोट से कुछ नहीं होगा। उसके वायर उखाड़ दे। अच्छा अच्छा। जल्दी कीजिए ना। वायर बंद कर। कहाँ से निकालूँ फिर जरा? यहाँ से कर सकते हैं तू? वहाँ किधर है इसका? वहाँ पीछे पीछे परेश कुछ नहीं, ये मत कर। किसी फैशन शो में जान लग रहा है क्या? वेरी स्वीट। अरे इससे क्यों दिदे पाड़ के देखे आके, गोली मारेगा आंखों से, लुटेगा। अरे थारी शक्ल इतनी खराब है कि तुझसे मैं अपनी भैंस की शादी भी ना कराऊं। अरे थारे जबड़े में जबान ना है के भाई, गुंगा है के? अरे गुंगा तो बता दे भाई। ओ गॉड, ये फ्यूज को भी अभी उड़ना था क्या? ये क्या अपने हाथ में कुछ होता है नहीं, दूसरे के हाथ में होता है नहीं, उन्हीं को डाल सकता है नहीं। रियाज मुंबई जाकर फोन करना। अरे ये भी कोई बोलने की बात है? ए प्लीज खत मत लिखना,
जवाब देने को टाइम लगता है। फोन करना जरूर। रियाज, हाँ, तू जा रहा अच्छा नहीं लग रहा यार। यार सुंदर, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, ऐसी नौकरी तो बार बार नहीं मिलती। मैं तो कहता हूँ तो साथ में चल, वहाँ बहुत सारी एड कंपनीज है, तुझे भी एक जॉब दिला दूंगा, चलेगा? नहीं मैं नहीं चलूंगा। क्यों? क्यों क्या पायल? ये पायल है या पांव की बेड़ी? सुंदर, लड़कियों के मामले में तुम अनाड़ी हो। तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करती है, गलत। तुम उससे प्यार करते हो और उसे तुमसे सिर्फ हमदर्दी है। लड़कियों के मामले में तुम बहुत कुछ जानते हो रियाज बाबू, मगर उनके दिलों के मामले में कुछ नहीं जानते। लड़कियों के दिलों को समझने के लिए एक आर्टिस्ट का दिल चाहिए। अगर पायल मुझसे प्यार नहीं करती तो पूरे शहर के अंदर पागलों की तरह मुझे ढूंढती नहीं फिरती, हजारों लोगों के बीच अस्पताल में आकर मेरे गले नहीं मिलती, और 100 मील गाड़ी चलाकर अकेले ताज नहीं आती। ठीक है भैया, तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं। मुझे सोते हुए सपना देखना अच्छा ही लगता, और तुम जागते हुए भी ख्वाब देखते हो। आर्टिस्ट है ना बाबा। चल चल चल, फ्लाइट का टाइम हो गया, चल। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। रियाज, अगर तू बुरा ना माने तो मैं तेरा एक कमरा ले लूं। यार इसमें पूछने वाली क्या बात है, ऑफ कोर्स, यहाँ का नजारा कमाल का है। नहीं और हाँ, हवा बहुत अच्छी चलती है यहाँ पे। नहीं वो बात नहीं है। तो वो पायल का घर इस तरफ है। दीवाना है तू। सुंदर इधर आओ, कम यार इमीडिएटली। अरे जल्दी आओ यार, एक काम करो सुंदर, ये डिजाइन लो और 3 साइड पे जाकर आज इसे बना दो, आज इसी वक्त। ओके जल्दी करो। सर ये किसने बनाया? कंप्यूटर ने। क्यों? सर ये तीनों साइड जो हैं बहुत ऊंची हैं, आसमान का रंग और इसका रंग मिल जाएगा, ये गलत है सर। मुझे नहीं मालूम था तू कंप्यूटर से ज्यादा जानता है, यू इडियट। बांस पे खड़े रहकर पेंट करने वाले, तू मुझे कलर कॉम्बिनेशन सिखाएगा? मुझे जो इतना बड़ा ऑफिस चलाता है, मुझे सिखाएगा है? सर दिमाग के लिए कंप्यूटर बना है, कंप्यूटर के लिए दिमाग नहीं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये गलत है सर। ये गलत है? क्या गलत है क्या सही है तू मुझे बताएगा? मुझे इतने बड़े ऑफिस चलाने वाले को है? अरे 10 साल जर्मनी में ग्राफिक की ट्रेनिंग ली है, और कलर कॉम्बिनेशन में तू मुझे सिखाएगा? मुझे है? तेरे को अपना नाम लिखना आता है पेंटिंग से? आता है नाम लिखना? यू ब्लडी फूल, गेट आउट फ्रॉम हियर, निकलो यहां से। मुझे आया बताने के लिए कलर कॉम्बिनेशन, गेट आउट फ्रॉम हियर। अरे सुंदर चलो मेरे साथ, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, चलो। कम ऑन सुंदर। भाइयों और बहनों, आर्टिस्ट खुद कुछ नहीं होता, वो तो बस एक सादा कागज होता है जिस पर वक्त अपने तजुर्बे लिखता है, दुख के, सुख के, मोहब्बत के, नफरत के, सृष्टि के, प्रकृति के। मैंने सुना है कि सुंदर बोल नहीं सकता, मगर उसे आवाज की क्या जरूरत है, उसकी तो उंगलियां बोलती हैं, हर एक रेखा बोलती है, हर एक तस्वीर बोलती है। मुझे खुशी है कि मेरे अजीज दोस्त की बेटी पायल खुराना ने इस एग्जीबिशन का प्रबंध किया है, और मुझे एक ऐसे पेंटर का एग्जीबिशन के उद्घाटन का मौका दिया है जो कल का बहुत बड़ा कलाकार है।
felicitated. Sundar, you did it, my friend! And I'm coming! विंटर बाबू सुंदर अरे रियाज अरे तू कब आया रियाज आया रियाज आया सुंदर रियाज आया रियाज आया अरे रियाज तू से वार हानी गया तो दौड़ के चला आया ना हां यार न्यूज़पेपर में मैंने तस्वीर देखी मेरे दोस्त को अवार्ड मिला है मैं सीधी फ्लाइट पकड़ी और आ गया तो हो जाए अरे आज नहीं हो सकता यार आज राइड है ओ यार एक काम करते हैं प्राइवेट टैक्सी करते हैं और चलते हैं आगरा हाँ यार चांदनी रात होगी हाथों में गिलास होगा जमुना किनारा होगा और ताज का नजारा होगा वहाँ जाके जमुना का पानी पीना पड़ेगा क्यों वहाँ भी ड्राई डे यार अरे यार मैं इतनी दूर मुंबई से तुम लोगों को मिलने आया हूँ तुम लोग एक बोतल तक नहीं पिला सकते मेरे को क्या कर रहे यार आज ड्राई डे मजबूरी है अच्छा यार मजबूरी में दोस्त काम आते हैं कौन से दोस्त पुराने दोस्त पुराने चल पिला फिर मिलाता हूँ पीछे पीछे आ वन टू एट यस देखो ला 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 ये आज इनके पास कुछ नहीं मगर इनके दिल में मोहब्बत की दो चार बूंदे बाकी है हमारे लिए सुंदर वाकई तुझे ओल्ड मंग ने आशीर्वाद दिया है तू सच कह रहा है दोस्त आज इसके माथे पर से ब्लैक लेवल निकल गया नहीं नहीं हमारे सुंदर ने तो रॉयल चैलेंज ले लिया है और चैलेंज लेके इसने पेंटिंग का अवार्ड जीता है तू तो किंग फिशर है यार किंग फिशर अरे किंग फिशर नहीं हमारा सुंदर जो है गोल्डन ईगल है उसने झपट्टा मार के अवार्ड उठा लिया है नहीं यार हमारा सुंदर नेपोलियन है इस पेंटिंग की दुनिया का नेपोलियन तू सही बोल रहे है मेरे दोस्त आज के बाद तेरी जिंदगी में कभी भी ब्लैक नाइट नहीं आएगी हम तुझे रॉयल सैल्यूट करते हैं दोस्त चीयर्स ओए सुंदर चल यार तू ग्लास बना तेरा ग्लास तुम लोग पियो अरे तू इतना दुखी क्यों यार अरे नहीं मैं दुखी नहीं हूँ अरे हम लोगों को बता यार हम लोग भी तेरे दोस्त हैं नहीं यार रियाज ऐसी कोई बात ही नहीं मैं भी अपनी यादों की बोतलों से चंद बूंदे इकट्ठा कर रहा था ये सोच रहा था कि कभी तो मेरे कान तरस जाते थे तारीफ का एक शब्द सुनने के लिए ये सुनने के लिए कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और आज अखबारों में मेरी तस्वीर छपी है हर जुबान पर मेरा नाम है सिर्फ इसलिए कि पायल ने एक पत्थर से धूल के हटाई दुनिया ने कहा कि देखो ये पत्थर नहीं हीरा है तू सही है तू वाकई में हीरो है नहीं रियाज मैं हीरो नहीं हूं देखो ना पायल ने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया और मैंने क्या किया अपनी जबान खोलकर उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाया सिर्फ इस डर से कि कहीं मेरा भांडा ना फूट जाए छी जो आदमी अपने एहसान का बदला नहीं चुका सकता उससे ज्यादा घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता तो कर भी क्या सकता है सुंदर मैं सच बोल सकता हूं तुम सोच समझ कर ही बोल रही हो ना बेटी मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है ये जानते हुए भी कि वो हाँ ये जानते हुए भी कि वो बोल नहीं सकता आई लव हिम बेटा मैं जानती हूँ तुम बहुत समझदार लड़की हो लेकिन कुछ बातें बताना जरूरी है जब हम सफर करते हैं तो साथ वाले मुसाफिर से बातें करते हैं पता है क्यों इसलिए कि बातें करने से सुख दुख बांटने से सफर आसानी से कट जाता है बेटा तुम एक गूंगे साथी के साथ जिंदगी का लंबा सफर कैसे काटोगे प्यार को लफ्जों की जरूरत नहीं होती है मम्मी मोहब्बत तो दिल की वो बात है जिसे जब एक दिल कुछ कहता है तो दूसरा दिल सुन लेता है लेकिन पायल इतना बड़ा फैसला करने से पहले इतना तो जान लो कि तुम जिसे प्यार समझ रही हो वो वाकई प्यार है या फिर अगर सिर्फ हमदर्दी होती दिल में दया होती तो मैं सुंदर के साथ वही करती जो मैंने भीगू के साथ किया उसकी मदद करती और फिर ये भूल जाती कि सुंदर नाम के किसी लड़के से मैं मिली थी लेकिन ऐसा नहीं है आंटी मैं उसे एक पल के लिए भी नहीं भूल सकती भाई मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी जो कुछ भी करेगी गलत नहीं करेगी और वैसे भी आपको मालूम है डैडी विश्वास ही सुंदर ने मुझसे एक झूठ बोला था एक छोटा सा झूठ कि वो आर्ट कॉलेज में पढ़ता है मैंने तो ये बात मान ली थी मगर सुंदर का दिल नहीं माना उसने मुझे सच्चाई बता दी
और मुझसे माफी मांगी, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी की कीमत बहुत ज्यादा है डैडी, बहुत ज्यादा। इट्स मोर देन माय लव। आई थिंक सुंदर इज रियली अ लकी गाय। अगर मैंने भी सच बोला होता ना, तो आज मेरी कहानी का अंत भी कुछ और ही होता। मगर मुझ में सच बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। हिम्मत होती भी कैसे? कैसे कह देता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? कैसे कह देता कि मेरा प्यार सिर्फ एक दिखावा था? मुझे तो सिर्फ एक ही चीज से प्यार था, अमेरिका। आई लव अमेरिका। बेटी, तुमने अपना ये फैसला सुंदर को बता दिया है? अभी नहीं। तुम्हें भरोसा है कि सुंदर मान जाएगा? मुझे अपने सुंदर पर पूरा भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। तुम उसे कब बताओगी? आती पूर्णमासी को, प्यार के सबसे बड़े यादगार के सामने एक और प्यार का इकरार होगा। अरे पायल, तुमने फैसला कर लिया? फैसला कर भी लिया और फैसला सुना भी दिया। क्या? कि मैं सुंदर से शादी कर रही हूँ। क्या? क्या 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 क्या? Yeah, I'm getting married to सुंदर। आय हाय, भाव तो देखो चेहरे पे। काश बाय चांस आज हमारी डांस टीचर होती यहाँ पे, तेरा चेहरा देखती। शम नाम के चिड़िया का मतलब भी नहीं जानने वाली मेरी अमेरिकन फ्रेंड। आय हाय, भाव तो देखो आज चेहरे पे। इसको भाव कहते हैं। अरे अंकल, पायल दीदी, वो जो आपके साथ गुंगे अंकल है ना, वो ना टीवी पे आ रहे हैं, जल्दी आइए। अरे वो प्रोग्राम फिर से टेलीकास्ट कर रहे होंगे, जल्दी आप प्राप्त करें। भाई कपड़े देख, किसी फैशन शो में जान लग रहा है कि? अरे इससे क्या दिद्दे फाड़ के देखे आके, है? गोली मारेगा आंखों से, लुटेगा। अरे थारी शक्ल इतनी खराब है कि तुझसे मैं अपनी भैंस की शादी भी ना कराऊं। भाई गुंगा है के? अरे गुंगा तो बता दे भाई। ए, मेरे जबड़े में तो जबान है, लेकिन आज के बाद तेरी जबान बंद हो जाएगी। क्यों बकवास खराब है? अरे भाई गुस्सा क्यों हो रहा है यार, ध्यान से सुन, मैं तो टेलीविजन के लिए काम करूं। इसके बाद ना प्रोग्राम चलता तुम्हारा, तुम नजर नहीं आते उसमें। वो क्या है ना, मुझसे इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती भाई। देख ले। हाँ चलो जरा टीवी पर प्रोग्राम सुनी पर आएगा, देखना ना भूल। अरे पायल तुम, मैं तुम्हें फोन कर रहा था। सुंदर बोल सकता है कि नहीं? नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मैं उसे टीवी पे बोलते हुए देख चुकी हूँ। टीवी पर? टीवी वो बोल सकता है कि नहीं? मेरी बात का जवाब दो कि वो बोल सकता है कि नहीं। हाँ वो बोल सकता है। उसने तुमसे इसलिए छुपाने की कोशिश की क्योंकि वो? मुझे तुम लोगों से कोई सफाई नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो इस वक्त है कहाँ। वो तो एग्जीबिशन के दूसरे दिन से गायब है। कहकर गया, मैं पायल को सब कुछ बता दूंगा। पता नहीं कहाँ चला गया, इसलिए मैं तुम्हें फोन कर रहा था। रियाज को भी फोन करके बुलाया है। मुझे पता है कि वो इस वक्त कहाँ होगा, वहां। मैं समझती थी कि तुम इंसानों को समझ सकते हो, उनके दिलों को समझ सकते हो, लेकिन मैं गलत समझती थी। अगर तुम्हें इंसानों को पहचानने की शक्ति होती तो तुम मुझे जरूर समझ लेते। अगर तुम्हें दिलों को समझने की शक्ति होती तो तुम मेरी उस बात को जरूर समझ लेते जो मेरी आंखों ने हजार बार कही है। अगर तुम्हें भावनाओं को समझने की शक्ति होती तो तुम मेरी भावनाओं के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। तुम गूंगे नहीं हो, बोल सकते हो, फिर भी तुम चुप रहे, क्यों? इसलिए ना, क्योंकि तुम मेरी हमदर्दी जीतना चाहते थे। तुमने मेरी हमदर्दी जीती, मेरा दिल जीता, मुझे भी जीत लिया, लेकिन फिर भी चुप रहे। इसलिए ना, क्योंकि तुमने अपने प्यार का ताजमहल एक झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया था और मुझे झूठ से सख्त नफरत है। लेकिन तुम एक बात भूल गए सुंदर, कि मैं तुम्हें प्यार करने लगी थी, और प्यार
प्यार का दिल बहुत बड़ा होता है सुंदर, वो सब कुछ माफ कर देता है, बड़ी से बड़ी गलती, बड़ी से बड़ी भूल। तो क्या मैं तुम्हारा एक झूठ माफ नहीं कर सकती थी जो सच्चे प्यार को हासिल करने के लिए बोला गया था? तुमने अपनी लगाई आग में खुद जल के अपने आप पे जुल्म करके इतने दिन अपने आवाज का गला घोट कर मुझे कितना छोटा कर दिया, इसका कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम्हें मालूम नहीं सुंदर, तुम्हारी आवाज के लिए मैं कितने डॉक्टरों के पास गई, कितनी प्रार्थना की, कितने मंदिरों में जाके माथा टेका कि सिर्फ एक बार मैं अपने सुंदर की जबान से अपना नाम सुन लूं। प्लीज सुंदर, एक बार, सिर्फ एक बार वो कह दो जिसे सुनने के बाद कोई लड़की और कुछ सुनना ही नहीं चाहती। प्लीज सुंदर बोलो, बोलो कि यू लव मी। प्लीज सुंदर बोलो, सुंदर बोलो, मेरी खातिर बोलो सुंदर, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। बोलो सुंदर, सुंदर प्लीज बोलो। अब एक्टिंग छोड़, हम लोगों ने मान लिया कि तू बड़ा एक्टर है, अब तो बोल। तू बोलता क्यों नहीं है? अरे कुछ तो बोल। अरे पागल, इसने इस बात का इतना बुरा नहीं माना तो तू क्यों बुरा मान रहा है? चल बोल दे। एक्सक्यूज मी, मैं ये बताने आया हूं कि सुंदर एक्टिंग नहीं कर रहा, वो सचमुच बोल नहीं सकता। सुंदर एक्टिंग नहीं कर रहा, पिछले हफ्ते सुंदर मेरे पास आया था। प्लीज डॉक्टर, व्हाट नॉनसेंस, तुम पागल हो गए हो? पूरी दुनिया बोलना चाहती है और तुम गूंगे बनना चाहते हो, अपनी आवाज हमेशा के लिए खो देना चाहते हो? नहीं चाहिए मुझे ऐसी आवाज, मेरी आवाज मेरे प्यार की दुश्मन है, ये मेरी आवाज नहीं मेरी बीमारी है। तुम कैसे डॉक्टर हो, मुझे मेरी बीमारी से मुक्त नहीं कर सकते? अब तुम्हारी आवाज छीन कर मैं अपने पेशे पर दाग नहीं लगाना चाहता। पेशे का दाग दिल के दाग से बड़ा नहीं होता डॉक्टर, और ये दाग लेकर मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैंने अपने प्यार को धोखा दिया, अपने प्यार से झूठ बोला है मैंने, और ये झूठ के साथ लेकर मैं जिंदा नहीं रहूंगा डॉक्टर, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। सुंदर, 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 सुंदर। एक तरकीब हो सकती है, तुम पायल को एक बार फिर लेकर यहां जैसे पहले आए थे, मैं फिर से तुम्हारा इलाज करूंगा, टेस्ट लूंगा, दवा दूंगा, स्पीच थेरेपी करूंगा, और फिर कुछ दिन बाद कह दूंगा कि तुम्हारी आवाज वापस आ गई, तुम बोलने लगे। आप चाहते हैं मैं पायल को फिर से धोखा दूं? जो लड़की अपनी सारी जिंदगी गूंगे के साथ गुजारने को तैयार है उसे फिर झूठ बोलूं? कभी नहीं, धन्यवाद। झूठ कैसे भी बोला जाए झूठ ही रहता है। अगर एक दिन उसे सच्चाई पता चल गई और वो तुम्हें छोड़कर चली गई तो क्या करोगे? प्यार की खातिर आवाज की कुर्बानी बेकार जाएगी ना? मैं अपनी आवाज की कुर्बानी पायल को हासिल करने के लिए नहीं दे रहा हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि पायल ने मुझ पर हमेशा विश्वास किया और मैंने हमेशा उसके साथ विश्वासघात किया। इतने बड़े पाप का बस यही एक प्रायश्चित हो सकता है। देखो सुंदर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हम बहरों को मशीन के जरिए सुनवा सकते हैं, आंखें चली जाएं तो दूसरी आंखें दे सकते हैं, दिल बंद हो जाए तो उसे फिर से धड़कने पर मजबूर कर सकते हैं, मगर आवाज चली जाए तो वापस नहीं ला सकते। यही वो जगह है जहां साइंस भी भगवान के आगे घुटने टेक देती है। अभी भी वक्त है, तुम अच्छी तरह से सोच लो, तुम्हें अपना प्यार चाहिए या जिंदगी की सबसे जरूरी चीज आवाज? मुझे मेरी आवाज नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ये ऑपरेशन करूंगा। डॉक्टर,
दुनिया में कितने प्रेमी प्यार की खातिर फांसी पर लटक जाते हैं, छत से कूदकर अपनी जान दे देते हैं, रेल के नीचे आकर खुदकुशी कर लेते हैं। फांसी पर लटकने वाला तो सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए तड़पता है, इन लोगों की पीड़ा चंद मिनटों की है। मगर आज जिंदगी में मैं पहली बार एक ऐसे मजबूत इंसान को देख रहा हूं जो सारी जिंदगी, हर दिन, हर पल इस दर्द को हंसते हंसते सहने की शक्ति रखता है। अगली पूनम की रात को ताजमहल के सामने जब तुम्हारी प्रेमिका अपने प्रेम का इजहार करने आएगी तो तुम उसके काबिल बन जाओगे। मैं ये ऑपरेशन करूंगा। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी, 8:30 बजे आपका ऑपरेशन है, तब तक आप कुछ खाना पीना मत। जी सिस्टर। यस, एक ग्लास पानी मिलेगा? ओके। आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन का ड्रेस पहनकर आने के लिए कहा है। मुझे अभी आना होगा। यस सिस्टर, मैं 5 मिनट के लिए अकेला रहना चाहता हूं। ओके। ये आवाज फिर कभी नहीं आएगी। माँ, रियाज, विल्स, कार्तिक, पायल, पायल, I love you, पायल, पायल, I love you, पायल। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, आप चलिए। क्या देख रही हो? अरे कोई पायल है, उसका नंबर चाहिए। डॉक्टर कहते हैं उसे अब भी बुलाना है। डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं सुंदर, अपने पेशे के साथ गद्दारी नहीं कर सकता।